देखे हैं कि विनोद को ही मारते थे उसका पत्नी, मतलब जो कि किस प्रकार से ऐसा पत्नी जो कि अपना पति को ही पीटते थे, मारते थे, प्रताड़ित करते हैं, वो लड़की हमको तलाक दे दीजिए जी और हमको बच्चा को वापस करवा दीजिए। वो बोल रहा जब तक वो बालिक नहीं होगा तब तक उसको हम पैसा, मतलब बच्चे को है कि हम पापा हमको मम्मी और वो लड़का हमको मारता है। पूजा देवी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं क्या? दोस्तों अभी हम इस वक्त भागलपुर के और जो है कि भागलपुर में नौगछिया में आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीण एकत्रित, मतलब इकट्ठा हो गया है और इनका जो मामला है बहुत सारे ट्विस्ट पकड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण जो है पूरा आक्रोश में है कि इसलिए कि इस ऐसा जलानी कहीं पहली बार पूजा देवी जैसे देखे हैं कि जो एक दो दो बच्चे होने के बावजूद, अपना पति होने के बावजूद किसी और गैर मर्द के साथ भाग जाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम शादी कर लिए हैं और कहीं और जा करके, और इस पति का आरोप है कि 1,25,000 रुपये और 10,000-15,000 कैश लेके गए हैं। यहाँ पे ग्रामीण भी कुछ है, यहाँ से पूछते हैं क्या इसका कहना है। क्या पूजा देवी को जानते थे क्या? हम सब पूजा देवी जानते हैं? नहीं जानते हैं, आइए टीएन से बात करते हैं। आंटी आज बोल दिए हैं ना, तो ये बताइए तो अभी जो कि पूजा देवी का आरोप, जो हम अभी पूजा देवी से बात किए उसका कहना है कि हमको मारते पीटते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे हमारा, मतलब जो कि कई बार हम डूबने गए थे, डूब भी गए थे लेकिन हमको बचाने नहीं, हमारे बच्चा को भी मारते पीटते थे। क्या वो बच्चे को क्या विनोद? सब गलत बात, बच्चा को नहीं मारते थे ना। लेकिन उस औरत का जो आरोप है कि वो बहुत मारते थे, सब गलत बात है। इतना इतना जितना आलम आदमी देख रहे हैं ना, सब के सामने में सब साबूत है। क्या पूजा देवी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं क्या? ये गांव का लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? पूजा देवी को बच्चे, पूजा देवी को मारते थे विनोद क्या? नहीं मारपीट हो गई, बच्चे को बोल रहे की विनोद जी बच्चे को बहुत पीटते थे। अच्छा, क्या नहीं मारते थे? लेकिन उसका आरोप कि बहुत मारते थे, पीटते थे, शादी से क्या विनोद अपना बच्चे को, अपना पत्नी को मारते थे? आप भी देखते थे क्या? हम सब यहाँ को अनेश के नहीं होगा। अच्छा नहीं है क्या? विनोद जी अपने बच्चे को मारते थे, पीटते थे क्या? जिस प्रकार से उसका जो देवी, उसका पूजा देवी का आरोप है कि अपने बच्चे को खूब मारते थे, पीटते थे, कई बार वो पूजा देवी डूबने भी गई थी, क्या ये सच बात है? सच बात है। पूजा देवी गुड़िया, मतलब पूजा देवी डूबने गई थी क्या? क्या डूबने गई थी क्या? हाँ डूबने गई। तो क्या विनोद उसको मार पीट के इसीलिए डूबने गए थे? मार पीट के नहीं, विनोद तो मन भी करते थे। अच्छा, बहुत मानते थे अपने बच्चे, घर वाले बच्चे को? हाँ। आप सोचिए, इन लोगों का आरोप है कि कभी भी विनोद अपना पत्नी को नहीं मारते थे। हाँ, घर वाली और घर वाली, घर वाला में कभी अक्सर हो ही जाता है, एक जगह होने के बावजूद हो ही जाता है। इन लोगों का आरोप है नहीं मारते पीटते थे। देखिए यहाँ पे ग्रामीण भी बहुत सारे एकत्रित है, इनका कहना ये है कि जिस प्रकार से कि गाँव वाले पूरा एकत्रित हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए, विनोद जो था, आप तो ग्रामीण है यहाँ का, विनोद अपने पत्नी को मारते पीटते थे? हम लोग यहाँ का नहीं। अच्छा, यहाँ के नहीं है। ओ चलिए, इन लोगों का कहना है कि हम नहीं जानते हैं। अच्छा है, विनोद जी हमसे, हमारे पास से बात करते हैं। विनोद जी की आपका पत्नी का आरोप है कि आप उनको बहुत मारते पीटते थे, अपने बच्चे को भी मारते पीटते, थाना में जाने के बाद भी पीटते थे, मारते पीटते थे, क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। अच्छा। समाज का लोग से भी पूछ सकते हैं कि हम मारते थे पीटते थे कि सही मारते थे कि गलत, यह झूठा इल्जाम लगा रहा है। वो खुद मारती थी अपने बच्चे को और अभी भी जहाँ रहती है वो हमारा बच्चा फोन करके बोलता है कि हम पापा हमको मम्मी और वो लड़का हमको मारता है। अच्छा, अभी बच्चा जिस प्रकार से बोल रहा था कि आपके घरवाली बोल रहा था कि हमारे मदद थाना से हमको वहाँ से कागज मिल गई है कि हमको बच्चा हमारे साथ, हमारा कोई कागज नहीं मिला है, कोई आवेदन नहीं मिला। आप बोल रहे हैं हमारे पास उसका जो कि शादी जो किया है उसका वहाँ का कागज हमारे पास नहीं है, लेकिन वो पास बोल रहा कोई प्रूफ नहीं है, बोल रहा कागज आपके पास भी है? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है इनका। अच्छा, कोर्ट मैरिज वाला कागज आपको? नहीं, कुछ नहीं है मेरा, नहीं है। नहीं, वो बोल रहा सीधा उसके पास, वो छिपा रहा है बचाना, वो छिपा रही है, कोर्ट मैरिज का कागज भी छिपा रही है, बोल रही है। अच्छा, वो बोल रहा है कि हमारे पास है, हम तो देंगे, लेकिन उसके पास है, वो क्यों नहीं देना चाहते हैं? पता नहीं, इसका यही जाने। अच्छा, आपके पास कागज नहीं है जी? कुछ नहीं है इसका। आखिरी में आप अब आगे क्या करने वाले? क्या अपने बच्चे आपको बोल रहे थे तब बालिक नहीं होगा तब तक हम रखेंगे? ये जानना चाहते हैं, वो लड़की हमको तलाक दे दीजिए जी और हमको बच्चा को वापस करवा दीजिए। वो बोल रहा जब तक वो बालिक नहीं होगा तब तक उसको हम पैसा, मतलब बच्चे को उसके पास नहीं भेजेंगे। क्यों? रीजन है, बोल रहा है वो मारते पीटते वहाँ जाएंगे फिर से मारते। सर एग्जाम लगा रहा है, गलत है ये। आप तो समाज से भी पूछ सकते हैं, अगर हम गलत हैं तो आप समाज से पूछ सकते हैं। अच्छा, समाज समाज तो कई प्रकार के बोल रहे हैं कि नहीं वो कभी मारते पीटते नहीं है। बाहर का लोग भी आ रहा है ना, उससे वो लोग भी देखता था, उससे भी पूछ सकते हैं।
अच्छा क्या 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 ये जो विनोद है अपने इसका पत्नी पता लगा छोड़ के चले गए हैं, क्या उसका पत्नी को मारपीट करते थे क्या? ये मारपीट करते अपने पत्नी को? ये ना वो, अच्छा वो मारते थे इनको। देखिए ये एक समझ सकते हैं कि ये अपना समुदाय से नहीं है, मुसलमान है, फिर भी ये हिंदू का मतलब एक तरह के दुख दर्द भी समझते हैं। जिस प्रकार से मारते पीटते थे अपने पति को, फिर भी ये बोल रहा है कि पति को उल्टा ही कर रहे हैं कि मान सोचिए एक पत्नी को जो कोई जगह मारते पीटते, लेकिन पत्नी ही पति को मारते हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है? बहुत बार मिलता है, बहुत मारते थे। आप सोचिए कि आप जो उसका विनोद को जो छोड़ के पत्नी चले गए हैं, बच्चे भी इसके साथ नहीं है, क्या इस पर क्या कहिएगा? ऐसा होना चाहिए था क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मोहल्ला समाज भी क्या करेगा, रहना नहीं चाहती है, ये तो रखने के लिए तैयार है। अच्छा, ये रखने के लिए अभी भी तैयार है क्या? ये विनोद जिस प्रकार से बोल रहे हैं अभी इतना दिन होने के बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी अभी रखने के लिए तैयार है, अपना पत्नी हमारे पास आएंगे तो रख लेंगे, बताइए हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा कई बार आप देखे थे इसके सामने जो कि विनोद को मारते, उसकी पत्नी मारते थे विनोद को, आप देखे थे? उतना बार तो नहीं है, एक दो बार देखे हैं। एक दो बार देखे हैं उसको मार रहे थे। आप सोचिए इनका कहना ये कि हम कहे एक दो बार देखे हैं कि विनोद को ही मारते थे उसका पत्नी, मतलब जो कि किस प्रकार से ऐसा पत्नी जो कि अपना पति को ही पीटते थे, मारते थे, प्रताड़ित करते थे, अभी उस उल्टा ही आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पति हमको ही मारते थे, कई बार हम डूबने भी गए और हमारे बच्चे को भी मारते पीटते थे। इस पर आप क्या कुछ कहते हैं कॉमेंट जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज़ और हम सफ़र तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।